जय हिंद दोस्तों, तुंगनाथ महादेव के सफ़र में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में भगवान शिव को समर्पित पांच केदार हैं, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से तीसरा केदार है तुंगनाथ मंदिर। अभी रास्ते पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे ताजी बर्फ़ पड़ी हुई है तो यहाँ पे चलना थोड़ा आसान होगा। इस मंदिर का निर्माण आज से हजारों वर्षों पूर्व महाभारत के समय में पांडवों द्वारा किया गया था। तुंगनाथ मंदिर हिमालय की पहाड़ियों पर अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के बीच स्थित भगवान शिव का मंदिर है। यदि आप रोमांच के साथ साथ धार्मिक यात्रा का मिश्रण चाहते हैं तो अवश्य ही तुंगनाथ मंदिर होकर आएं। तुंगनाथ मंदिर से ऊपर प्रसिद्ध चंद्रशिला पहाड़ी भी है, जिसका संबंध भगवान श्री राम जी से है। दोस्तों, ये तुंगनाथ मंदिर के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्र व ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय किया था। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को काशी से लेकर केदारनाथ तक ढूंढा, लेकिन वो उन्हें नहीं मिले। भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप लेकर धरती में समाने लगे। लेकिन तभी भीम ने उन्हें देख लिया और बैल को पीछे से पकड़ लिया। तब उस बैल का पीछे वाला भाग वहीं रह गया और बाकी चार भाग चार अन्य जगहों पर निकले, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। दोस्तों, पंच केदार में तीसरा केदार तुंगनाथ है। जब भीम ने महादेव के बैल रूप को पकड़ा तब उसकी भुजाएं यहाँ प्रकट हुई थी। बैल का पीछे वाला भाग केदारनाथ में रह गया था, जबकि अन्य तीन भाग में मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में तथा जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन पांचों स्थानों पर पांडवों के द्वारा भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का निर्माण किया गया था व शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया था। तुंगनाथ का अर्थ, दोस्तों, तुंगनाथ का मतलब होता है पहाड़ों का भगवान, जो कि भगवान शिव को कहा जाता है। Thank you.
हैं।